नमस्कार, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बेसिक पार्ट फर्स्ट के लिए यूनिट सेकंड शुरू की है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रकाशिक समायोजकता के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमने RS नोमेनक्लेचर करना सीखा है, हमने DL नोमेनक्लेचर करना सीख लिया, ठीक है, हमने इरीथ्रो और थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनमें विभेद करना सीख लिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो, फॉर एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स में ही बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या होगा। देखते हैं कि अगर हमने क्या लिया है, टार्ट्रिक एसिड लिया है, फॉर एग्जाम्पल अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टार्ट्रिक अम्ल की त्रिविम समायोजकता, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक त्रिविम समावयवता कैसा होता है टार्ट्रिक अम्ल? जानते हैं टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल ये है COOH CHOH CHOH COOH, क्या है ये? टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। अगर हम टार्ट्रिक एसिड में डिस्कस करें, अगर इसको फिशर में लिखें, किसमें लिखेंगे? यहाँ पर भी हम जो रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे वो कौन सी होगी? फिशर रिप्रेजेंटेशन होगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको दिख रहा है दो एसिमेट्रिक सेंटर होंगे। ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है, फिशर में लिख दें इसे, तो COOH COOH ये हो जाएगा OH OH, यहाँ से लिखो OH OH H और H, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं इसके अंदर? एक तो ये रहा, एक ये रहा, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? दो हैं, है ना, दो हैं। और ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, अगर हम यहां पर देखें, ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कैसा इससे मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है, कितने हैं? दो दो हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये नहीं पता कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, कि कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर इसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर क्या कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, यानी कोई भी सममिति का कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। तो हम देखें कि दो एसिमेट्रिक सेंटर है, अगर मैं ऐसे तल लगाऊं, यहाँ से प्लेन लगाऊं, यहाँ से काटूं इसे, तो क्या ये दोनों मिरर इमेज होंगे? नहीं होंगे भाई, हाइड्रोजन के सामने OH होगा, OH के सामने हाइड्रोजन है, तो मिरर इमेज हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं है, और सिमेट्री एलिमेंट मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा, और अगर ये ध्रुवण घूर्णक होगा तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, एक तो ये होगा और दूसरा कौन होगा, इसकी मिरर इमेज होगी H, और ये हो जाएगा OH, ये क्या होगी, इसकी मिरर इमेज हो गई। तो इसमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी, एक लेवर रोटेटरी होगी, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, क्या है ये, मिरर इमेज है, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, ठीक है, यहां पर तो हमने OH ग्रुप को क्या रखा है, ट्रांस रखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको सेम साइड रख दें OH ग्रुप को, यानी ऐसे रख दें, तो क्या अभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या इसके अंदर एसिमेट्रिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर मौजूद है? हाँ भाई मौजूद है, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा, कार्बन sp3 है और चार अलग अलग ग्रुप भी जुड़े हुए हैं दोनों कार्बन से, तो ये एसिमेट्रिक सेंटर तो मौजूद है, लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, ध्रुवण घूर्णक होगा या नहीं, प्रकाशिक समायोजकता को प्रदर्शित करेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट, कोई सममिति का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है। तो देखते हैं, अगर हम यहां से प्लेन डालें, ठीक है, तो क्या होगा, OH के सामने OH होगा, H के सामने H होगा और COOH के सामने COOH होगा, इसका मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति का तल मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, सममिति का तल मौजूद है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल मैं बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, मीजो नाम याद होगा आपको तो, मीजो में पढ़ा चुकी हूँ। मीजो में क्या होता है, जहां पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा सिमेट्रिक, ओ सॉरी, एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, यानी कि असममित केंद्र, असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होने चाहिए, कितने, एक से ज्यादा, तो यहाँ मौजूद है, एक से ज्यादा असममित कार्बन परमाणु मौजूद है। और क्या होना चाहिए, कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, कम से कम एक सममिति का तल उपस्थित होना चाहिए, वो भी उपस्थित है, दो एसिमेट्रिक सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, यानी कि दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये है मीजो, कैसा है ये, मीजो है। तो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर कैसी है, ये मीजो है। तो ये टार्ट्रिक एसिड तीन फॉर्म होगी, एक वो फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि ये दोनों क्या है, इनेंशियो मर्स है, बोला था कैसे हैं, ये दर्पण प्रतिबिंब भी हैं एक दूसरे के, ये दोनों एनेंशियोमर्स हैं, और ये क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि प्रकाशित समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, एनेंशियोमर्स हैं, और एनेंशियोमर्स तो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एक तो ये दो फॉर्म होंगी जो कि क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। एक ये तीसरी फॉर्म होगी जो कि कैसी होगी, मीजो। तो टार्ट्रिक एसिड के तीन फॉर्म होंगे, पहला जो है ये, दूसरा ये, और तीसरा मीजो फॉर्म इसकी। तो पहले दो क्या होंगे, प्रतिबिंबी समावेशी एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स को क्या बोलते हैं, इनको प्रतिबिंबी समावेशी, ठीक है, एनेंशियोमर्स है, और तीसरा क्या है, मीजो है। अब इनमें हम आरएस कैसे करेंगे भाई, क्या हम मीजो के अंदर आरएस कर सकते हैं, ये मीजो मॉलिक्यूल है, क्या इसके अंदर आरएस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आरएस करने के लिए क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो आरएस कर लो, ये तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर तो आरएस कर सकते हैं, तो कर लो भाई, एक में निकाल लो, दूसरा तो इसकी मिरर इमेज है, वो तो अपने आप निकल आएगा। तो आरएस करेंगे तो कैसे करेंगे, वही जो नॉर्मल रूल, ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इससे ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 1000 बार कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूंगी, हम मैं 1000 बार करा चुकी हूँ आरएस, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी से चौथी प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, इस कार्बन से दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो तीसरी प्रायोरिटी, सॉरी दूसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, COOH को, और ये वाला जो कार्बन है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, इसे कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी, ये कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है ना डायरेक्ट, इसे प्रायोरिटी मिलेगी तीसरी। तो हम क्या चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ गए, तो हमारा वो कैसा है, मूवमेंट कैसा है, हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, हमारा मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा उपस्थित है, हाइड्रोजन जो है तल के ऊपर उपस्थित है, एबव द प्लेन, ठीक है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन एबव द प्लेन उपस्थित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। तो ये वाले कार्बन पर तो निकल कर आया क्या, आर, तो सेकेंड नंबर जो कार्बन है वो कैसा है, आर है, ये वाला कार्बन आर है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं, चौथी प्रायोरिटी इसको मिलेगी, पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, COOH ग्रुप यहाँ पर है, तो दूसरी प्रायोरिटी इसको मिलेगी और तीसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऊपर वाले ग्रुप को, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दूं, तो ये ऊपर वाला एक ग्रुप है, तो तीसरी प्रायोरिटी ऊपर वाले को मिलेगी। तो हम चलेंगे 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ गए, मूवमेंट अब भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन कैसा उपस्थित है, तल के ऊपर उपस्थित है, हाइड्रोजन क्या है, तल के ऊपर उपस्थित है, इसका मतलब ये कार्बन भी कैसा होगा, आर, यानी कि यहाँ पर दो कार्बन थे, ये कार्बन पर भी आर एस क्या क्या निकल कर आया, आर निकल कर आया, और ये कार्बन भी क्या निकल कर आया, आर, ठीक है। अब बात करें इसकी, तो इसमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है, तो आर की मिरर इमेज क्या होगी, एस, आर की मिरर इमेज क्या होगी, एस, यानी ये वाला कार्बन कैसा होगा, एस होगा, और ये भी क्या होगा, एस, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ वरना फिर मौज मौज हो जाएगी। आई होप कि आपको, आप लोगों को आरएस करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। COOH है, दो एसिमेट्रिक सेंटर है, तो पहले इस वाले कार्बन पर निकाल लेते हैं, वही काम, ये तो पहली प्रायोरिटी, इसको क्या मिलेगी, दूसरी, सॉरी चौथी प्रायोरिटी, सबसे छोटा है, तीसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, दूसरी, सॉरी दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी OH को, और तीसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस नीचे वाले ग्रुप को। तो हम चलेंगे 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, मूवमेंट कैसा है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और हाइड्रोजन कैसा है, एवं उपस्थित है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, हाइड्रोजन एवं उपस्थित है, तो एस होना चाहिए था, लेकिन एस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर
आर, तो ये कार्बन कैसा निकल कर आया, आर निकल कर आया। क्यों आर है, क्योंकि भाई ये जो ये क्या क्यों आर है, क्योंकि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और मूवमेंट हमारा कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है। जब हम 1 से 2, 2 से 3 गए तो कैसा मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, कैसा हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इस कार्बन पर निकाल लेते हैं, ये कैसा निकल कर आया आर निकल कर आया, अब इस कार्बन पर भी निकाल लेते हैं। पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, चौथी इसको मिलेगी, सबसे छोटा है। दूसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी इस कार्बन को, और तीसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऊपर वाले कार्बन को, है ना, ऊपर वाले कार्बन को। अब चलते हैं, 1 से गए 2, 2 से गए 3, अब मूवमेंट कैसा है, 1 से गए 2, 2 से गए 3, अब मूवमेंट हो रहा है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, मूवमेंट क्या है क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन कैसा है एबव है, मूवमेंट है क्लॉकवाइज और हाइड्रोजन कैसा है एबव है, तो ये क्या हो जाएगा, मूवमेंट क्लॉकवाइज है हाइड्रोजन एबव है, तो होना चाहिए था आर, लेकिन आर ना होकर के ये क्या हो जाएगा एस। ठीक है, आर ना होकर के ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। तो इस तरह से मीजो जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या है, मीजो टार्ट्रिक एसिड है, जिसमें कार्बन नंबर 2 पर भी क्या है, कार्बन नंबर 2 क्या है आर, और कार्बन नंबर 3 क्या है, 3 पर क्या है एस, क्या है ये टार्ट्रिक एसिड, वो भी कैसा मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो इसमें मीजो मॉलिक्यूल में भी हम आर एस उसी प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं जैसा कि हम किसमें करते हैं, जैसा कि हम जो हमारे इनेंशियोमर्स होते हैं उनमें करते हैं आर एस, तो रूल्स वही है, सब कुछ वही है, तो आर एस बिल्कुल सेम तरीके से होगा, तो आर एस करने में कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास चाहे इनेंशियोमर्स आए चाहे मीजो मॉलिक्यूल आए, आप तुरंत आर एस कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन क्यों बोल रही हूँ मैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये क्या होती है अबव द प्लेन होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो हम ऑब्जर्वर है हम देखने वाले हैं तो हमारी तरफ होती है, यानी कि अबव द प्लेन है हमारी तरफ आ रही है, और ये जो बॉन्ड है वर्टिकल लाइन वाले ये पीछे की तरफ है, यानी कि हमसे दूर जा रहे हैं। तो ये मैं बहुत पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले कर चुकी हूँ, जिनको नहीं पता वो जाके पुरानी वीडियो देखें। तो इस तरह से ये जो हम मीजो मॉलिक्यूल है उनमें आर एस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दूं, नोट कर लिया होगा। और अगर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाए, कहीं प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, ये कैसा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया इसके अंदर क्या उपस्थित है, सममिति का तल। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से काटूं तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। ठीक है, वैसे आपको इस कार्बन पर निकालने की जरूरत नहीं थी, इस पर आपने निकाल लिया ना आर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ऊपर वाले की मिरर इमेज है, तो आर की मिरर इमेज क्या होती है एस। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, लेकिन ये तब होगी जब मिरर इमेज होनी चाहिए। यहाँ से मैं प्लेन डालूं तो OH के सामने OH, H के सामने H, COOH के सामने COOH, यानी कि ये जो आधा पार्ट है ऊपर वाले पार्ट की क्या है मिरर इमेज। अगर ऊपर वाला R निकल कर आया है तो ये नीचे वाला पार्ट क्या है मिरर इमेज, तो R की मिरर इमेज क्या होगी S, तो सिंपल सी बात है, एक R होगा तो दूसरा क्या होगा S। ये क्या है मीजो टार्ट्रिक एसिड, और सममिति का तल उपस्थित होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर ये हो हमारे पास 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, क्या हो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी क्या हो हमारे पास, 2,3 मॉलिक्यूल जो है उसका नाम है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, या फिर नाम ना लिखकर हम ऐसे बना ले मॉलिक्यूल, ये है हमारे पास ब्यूटेनॉल है। ठीक है, जिसमें दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और तीसरे कार्बन पर क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अगर बोले कि इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कमेंट कीजिए, ठीक है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कमेंट कीजिए, तो ये कैसा होगा, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, दूसरा एसिमेट्रिक सेंटर, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है, असममित कार्बन परमाणु मौजूद है, साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट की क्या है मिरर इमेज है, क्या है मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट की मिरर इमेज है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा मीजो होगा, ये क्या है मीजो। तो एक तो इसकी मीजो फॉर्म होगी, एक तो क्या होगी इसकी मीजो फॉर्म, इसको मैं लिख सकती हूँ नंबर 1, ये क्या है मीजो फॉर्म। ठीक है, मीजो फॉर्म होगी,
और क्या होगी इसकी, और दो तो क्या हो सकते हैं इसके इनेंशियोमर्स, जैसे टार्टरिक एसिड में लिखे तो CH3OHOH को अगर मैं अपोजिट साइड लगा दूं OH H, ठीक है, और यहाँ पर है CH3, तो क्या अब इसके अंदर सममिति का तल उपस्थित है? असममित कार्बन परमाणु अब भी दो है लेकिन अब इसके अंदर सममिति का तल उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर सममिति का तल उपस्थित है। तो एक ये होगा, दूसरा क्या होगा, इसकी मिरर इमेज होगा, तो ओ एच एच, यहाँ एच है तो एच ओ एच, और ये सी एच थ्री, तो ये दोनों सेकेंड और थर्ड ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका रिलेशन क्या होगा, इनेंशियो मर्स होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये दोनों कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। आर एस निकालना मैं बता चुकी हूँ, आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जैसे इस पर निकाल लें, इस पर निकाल लें, एक पर निकाल लें, मीजो इनका तो हम निकालना बहुत बार सिखा चुकी हूँ, कैसे भी आप निकाल ही लोगे, है ना, एक में निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो इसको पहली प्रायोरिटी, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कार्बन से, यहाँ पर जो कार्बन होगा उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी, फिर ये तो चौथी प्रायोरिटी ले लेगा, तीसरी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, अब यहाँ पर देखो, इधर गए तो भी कार्बन, इधर आए तो भी कार्बन है ना, फिर और आगे चलेंगे, बात नहीं बनी, दोनों तरफ क्या है, कार्बन और कार्बन, बात नहीं बनी, फिर और आगे चलेंगे, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, तीन हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, कौन जीत गया, इस पर तो केवल हाइड्रोजन है, जबकि इस पर तो ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और तीनों ही, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैं, तो ये जो है तीसरी प्रायोरिटी हो जाएगी, और दूसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे, नीचे वाले ग्रुप को, दूसरी प्रायोरिटी किसको दी हमने, नीचे वाले ग्रुप को, मैं थोड़ा सा इसे साफ बना ताकि आपको क्लियर दिखे, OH, H और यहाँ पर क्या है CH3, तो दूसरी प्रायोरिटी हमने किसको दी, ये ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप है इसे दूसरी प्रायोरिटी दी, तीसरी प्रायोरिटी किसको मिली, मिथाइल ग्रुप को, क्योंकि वो थर्ड प्रायोरिटी पर आ रहा है, अब क्या चलेंगे, वन से गए टू, ठीक है, वन से गए टू, टू से गए थ्री, वन से गए टू, टू से गए थ्री, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो हमारा हाइड्रोजन है वो कैसा है, एवब है, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं और हाइड्रोजन एवब है, तो होना चाहिए था आर, लेकिन आर ना होकर ये क्या हो जाएगा, एस, ये कार्बन क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन जो है वो एवब द प्लेन है, तो उल्टा हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है भाई, इस वाले कार्बन पर तो एस निकल कर आएगा, तो इस वाले कार्बन पर भी निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो जैसा कि मैंने भी बताया कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये बिल्कुल क्या है, मिरर इमेज है इस कार्बन की, OH के सामने OH है, H के सामने H, CH3 के सामने CH3, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है क्या है, मिरर इमेज है किसकी, ऊपर वाले पार्ट की, तो अगर ऊपर वाला कार्बन क्या है, एस है, तो ये तो इसकी मिरर इमेज है, और एस की मिरर इमेज क्या होती है, आर, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा आर, तो इस पर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप लगाओ अपने जो क्या कहते हैं अपना सेंसेस लगाओ थोड़े से ताकि आपका टाइम बचे, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसकी मिरर इमेज है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है, तो एस, और ये वाला कार्बन कैसा है, एस, तो एस की मिरर इमेज क्या होती है, एस की मिरर इमेज होती है आर, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इस तरह से आप इनमें आर एस कर सकते हैं मीजो मॉलिक्यूल के अंदर, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर सममिति का तल उपस्थित है। अच्छा एक चीज और, बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे मैडम ने इसको ऑप्टिकली एक्टिव क्यों लिखा है, ये तो इनएक्टिव होना चाहिए ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव लिखा है मैंने, आप तो कहोगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसके अंदर क्या दिख रहा होगा कि OH के सामने क्या है, OH, H के सामने क्या है, H, CH3 के सामने क्या है, CH3, तो यानी कि यहाँ पर एक केंद्र बन रहा है, इसी केंद्र को तो हम क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति का केंद्र, तो आपको दिख रहा है केंद्र लेकिन एक्चुअल में केंद्र है नहीं। जिन बच्चों को ये, बहुत से बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इसके अंदर तो आई उपस्थित है यानी कि सममिति का केंद्र उपस्थित है, और जहाँ केंद्र उपस्थित होता है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। भाई ये तुमको दिख रहा है ऐसा, ये केंद्र इसके अंदर एक्चुअल में उपस्थित है नहीं, क्यों दिखाती हूँ मैं भी, ऐसे टार्टरिक एसिड में भी आपको केंद्र दिख रहा होगा, वहां भी केंद्र उपस्थित है नहीं, ठीक है, दिख रहा है आपको ऐसा लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, ये तो हमने मॉलिक्यूल को किस में लिखा है, फिशर में लिखा है, ये तो मॉलिक्यूल को हमने किस में लिखा है, फिशर में लिखा है,
अगर मैं इसे वेज में लिखूं, वेज में लिखूं, कितने कार्बन है? चार, तो रख दिए चार कार्बन, एक दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ठीक है, पहले कार्बन पर देखूं मैं, पहले कार्बन पर देखूं तो एच ग्रुप क्या है, ये भी क्या है, एबव द प्लेन है, है ना, ये भी क्या है, एबव द प्लेन है, तो ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होंगे, मेरी तरफ होंगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ कि जो ओ एच ग्रुप है वो तो सामने की तरफ है, फ्रंट पे है ओ एच ग्रुप, और एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, बैक पे चला जाएगा, एच का चला जाएगा बैक पे, है ना, ऐसे इस कार्बन पर आएंगे। तो यहाँ पर ओ एच ग्रुप क्या है, ये जो ओ एच ग्रुप है ये भी क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा, ओ एच ग्रुप क्या होगा यहाँ पर, एबव होगा, और एच ग्रुप क्या हो जाएगा, बिलो होगा। तो जो एवर एवर है भाई, इसके अंदर क्या आपको आई दिख रही है कहीं पर, क्या इसके अंदर आपको आई दिख रही है, सॉरी गड़बड़ होगी, यहाँ पर क्या आएगा एच और ये क्या हो जाएगा ओ एच, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन अभी तो 2D में लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ 2D, अब मैं इसको 3D में बना दिया, 3D में बना दिया तो ओ एच क्या है, एवर है, और यहाँ पर ओ एच क्या है, बिलो है, तो क्या इसके अंदर कोई भी सममिति का तल या सममिति का केंद्र उपस्थित है, नहीं है भाई, इसके अंदर कोई भी सममिति का तल या सममिति का केंद्र उपस्थित नहीं है, ये आपको दिख रहा है सममिति का तल या सममिति का केंद्र, इसलिए ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आगे चले, यहाँ अभी भी कंफ्यूजन है, मुझे लगता है अभी भी कंफ्यूजन होगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो मैंने डायरेक्ट वेज में फिशर को वेज में चेंज कर दिया, उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि कैसे करते हैं। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो, जिसमें मैंने पहला नहीं तीसरा या चौथा लेक्चर था वो, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन को पढ़ाया था, वेज फिशर उन सब ने रिप्रेजेंटेशन को पढ़ाया था, और ये देखा था एक को हम कैसे दूसरे में चेंज करेंगे, है ना। तो अगर आपको फिशर याद हो तो फिशर को हमने कैसे बनाया था, न्यूमैन से बनाया था। अगर फिशर को याद हो आपने, कि हमने पीछे पलट कर देखेगा, पीछे का लेक्चर देखेगा, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो फिशर थी वो किससे बनाई थी, न्यूमैन से बनाई थी, किससे बनाई थी, न्यूमैन से बनाई थी, इसको मिटा दूंगा, न्यूमैन से बनाई थी, यानी कि यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर H है, ये OH OH ग्रुप क्या है, एंटी है, तो अगर ये वाला कार्बन थोड़ा और अच्छे से बना, फिशर किससे बनती है, दो इरेक्ट बाई होने चाहिए, दो इरेक्ट बाई होने चाहिए, OH H, ठीक है, यहाँ पर एक OH होगा, तो OH कहाँ है, OH, और इधर क्या है, H, यहाँ पर क्या होगा, CH3, और ये क्या होगा, CH3, ये क्या बन गई, न्यूमैन बन गई। पहले आप क्या कर लें, अगर आपको वेज में चेंज करना है फिशर को, तो पहले आप क्या बना लें, न्यूमैन बना लें, जैसा कि इससे बनेगा, और यहाँ से अगर फिशर चेंज करना, इसको ऊपर से दबाएं दबाएं दबाएं, तो ये दोनों बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, ये तो बॉन्ड जो ऐसे थे, जब ऊपर से दबाएंगे 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 तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्लैट, तो ये दोनों ऐसे ही तो है, ऊपर की तरफ उपस्थित है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्लैट, जब ये फ्लैट हो जाएंगे और ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सीधा, यानी कि ऐसे ये दोनों बॉन्ड भी क्या हो जाएंगे, फ्लैट, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, सीधा, ये दोनों तो हो जाएंगे सीधे और ये दोनों हो जाएंगे फ्लैट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, फिशर में, ये बन जाएगा फिशर, और फिशर को अगर मुझे क्या कहते हैं, कौन सी है, न्यूमैन, न्यूमैन में चेंज करना, तो क्या करना, इन दोनों बॉन्ड को पकड़ के जो फ्लैट कर दिए थे, अब उनको पकड़ के उठा दो, ठीक है, उठा दिए, ठीक है, जैसे इन दोनों बॉन्ड को जो फ्लैट किए थे उनको पकड़ के उठा दो, जैसे ही ऊपर उठेंगे तो ये दोनों बॉन्ड सिकुड़ के कहां जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये बन गया। अगर आपको वेज के अंदर नहीं समझ में आया हो, जैसा कि मैंने बोला कि इसके अंदर कोई आई उपस्थित नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आई उपस्थित नहीं है। आप कहोगे कि OH जो है वो सामने की तरफ है, ये वाला OH अपोजिट में है, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, हो सकता है, यहाँ पर इसके अपोजिट में हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है, ये तो एक दूसरे के कहाँ है, आमने सामने है, और आई तो तब होगा जब CH3 अगर यहाँ है तो दूसरा CH3 यहाँ होना चाहिए था, एक OH अगर यहाँ है तो दूसरा OH यहाँ होना चाहिए था, एक H अगर यहाँ है तो दूसरा H का होना चाहिए था इधर अपोजिट साइड में होना चाहिए था, तब जाके इसके अंदर आई उपस्थित होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित होता। तो एक्चुअल में यहाँ फिशर में देखोगे तो तुमको देखने से ऐसा लगेगा कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, ठीक है, अगर फिशर में देखोगे तो तुमको यहाँ पर देखने से लगेगा कि फिशर सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, लेकिन एक्चुअल में जब इसको फिशर बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ना तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और ना ही इसके अंदर तल है। तल हो सकता है क्या, सामने की तरफ OH है और यहाँ पर सामने की तरफ कौन है, H, ये OH ऐसा है, ठीक है, OH है सामने की तरफ, ये OH ऐसा है तल के ऊपर उठा हुआ,
तो सामने की तरफ कौन है OH, और यहाँ पर सामने की तरफ कौन है H, तो OH के सामने H है, H के सामने OH होगा, तो क्या यहाँ पर तल उपस्थित हो सकता है? नहीं भाई, तो ना तो इसके अंदर तल उपस्थित है ना ही इसके अंदर आई उपस्थित है, इसलिए ये कैसा है? ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट वेज पर दिखाया था, शायद बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वेज बनानी है तो यहीं से बना सकते हो। क्या कर दोगे, इस कार्बन को ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये OH कैसा है? तल के ऊपर उठा हुआ है, तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? एवव द प्लेन में। तो ये OH कैसा है? एवव द प्लेन है, तो मैंने इसको OH को क्या बना दिया? एवव द प्लेन। ये H कैसा है? ये पीछे की तरफ जा रहा है, तल से पीछे की तरफ होगा, तो ये H कैसा होगा? ये H होगा बिलो द प्लेन, और ये दोनों क्या होंगे? तल पर। ऐसे ये H क्या है? तल के ऊपर उठा हुआ है, ये जो H है ये तल के ऊपर उठा हुआ है, तो मैंने इसको बना दिया, ये क्या बना दिया? एवव द प्लेन बना दिया इसको। ये OH क्या है? तल के पीछे उपस्थित है, कैसा है? तल के पीछे उपस्थित है, तो इसको मैंने बना दिया बिलो द प्लेन। तो इस तरह से आप इसको किस में चेंज कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं किस में? वेज में। ठीक है, और अच्छे से लिखना, अभी दोनों कार्बन क्या है? अभी दोनों कार्बन कार्बन क्या है? अभी दोनों कार्बन कार्बन आमने सामने है। ठीक है, इसको और अच्छे से बना दो, आप जिगजैग में बनाना चाहो, तो यहाँ पर क्या है? सी एस थ्री, इस कार्बन को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर नो चेंज, नो चेंज। ओ एच को बनाया एवव, एच को बनाया बिलो, ओ एच को बनाया एवव और एच को क्या बनाया हमने? बिलो बनाया। ठीक है भाई, बना दिया। लेकिन ये वाला जो कार्बन जो पहले अप था, ये कार्बन कैसा है? पहले अप था, अब मैंने इस कार्बन को कहाँ लिया है? मैं डाउन लिया है। पहले ये कार्बन कैसा था? अप, ऊपर की साइड था, अब मैं कहाँ लिया है इसको? घुमा दिया इस कार्बन को, डाउन लिया है, तो ये कार्बन डाउन आ गया, तो सी एच थ्री कहाँ चला जाएगा? ये वाला कार्बन नीचे आएगा तो सी एच थ्री कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मैंने इसको घुमा दिया, ये बॉन्ड को यहाँ लिया है, तो सी एच थ्री, जैसे ये वाला कार्बन नीचे आएगा तो सी एच थ्री कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, तो कार्बन नीचे आया, सी एस थ्री ऊपर गया, सी एस थ्री ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब सी एस थ्री चेंज करेगा तो क्या OH चेंज नहीं करेगा? OH भी करेगा, तो OH क्या करेगा? OH आएगा कैसा? OH आ जाएगा यहाँ पर कैसा? यहाँ पर बिलो द प्लेन था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए भाई? अगर यहाँ पर OH बिलो द प्लेन था तो यहाँ पर भी कैसा आ जाएगा? ये कार्बन उलट गया, कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी, कार्बन को उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये H OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? H। इस तरह से हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं? वेज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस कार्बन को हमने अच्छे से लिख दिया, किस में लिख दिया? वेज में लिख दिया। तो मैंने डायरेक्ट क्या बनाई थी? वेज बनाई थी, फिशर नहीं बनाई, तो मुझे तो अंदाजा है, मुझे तो पता है कैसे बनेगी, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने फिशर भी बना के दिखा दी और वेज भी बना के दिखा दी। ठीक है, और RS करना आपको सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर आ गया होगा। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रेशमीकरण। क्या पढ़ेंगे? रेशमीकरण, रेशमीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशमीकरण, जिसे बोलते हैं हम रेशमाइजेशन। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी जब मैंने इनेंशियोमर्स, ट्राइस्टीरियो आइसोमर्स और मीजो पढ़ाए थे, तब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। रेजमिक मिक्सचर क्या होते हैं? रेजमिक मिक्सचर वो होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 50%, ठीक है, 50% आर आइसोमर हो, ठीक है, और 50% क्या हो? 50% एस हो, तो ये एक क्लॉक वाइज होगा, एक एंटी क्लॉक वाइज होगा, लेकिन दोनों 50-50% उपस्थित हैं, तो अलग अलग अगर इनको रखा जाए तो अलग अलग ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन जब ये सम मात्रा में उपस्थित हो, सम मोलर मात्रा में, यानी कि अगर ये 50% है तो ये भी 50% हो, अगर ऐसा उपस्थित हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? यही मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जो हमारे इनेंशियोमर्स होते हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब रूपी समावेवी होते हैं, उनका सम मोलर मिक्सचर होता है। क्या होता है? सम मोलर मिक्सचर। अगर ऐसे समझ में नहीं आए, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझना जरूरी है। मान लो हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, एक कांच की बोतल है, ठीक है, ये बोतल है भाई, इसके अंदर हमारा समावयवी उपस्थित है, हमारा जो इनेंशियोमर है वो उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर हमने जो इनेंशियोमर लिया है, जो इनेंशियोमर लिए है सारे के सारे, ये कैसे है? ये है आर, सारे के सारे कैसे है? आर है। अगर सारे के सारे R है तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, ये बोतल अभी अलग है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे ही हमारे पास एक और बोतल है, और इसके अंदर जो हमने समावयवी लिए हैं, इसके अंदर जो हमारे पास समावयवी हैं, अभी ये मिक्सचर नहीं है, अभी ये अलग अलग है, प्योर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? प्योर, प्योर का मतलब अलग अलग है। एक आर की बोतल है वो अलग है,
तो ये कैसे होंगे, सारे R हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, है ना। ये सारे कैसे हैं, प्योर S है, ये क्या थे, प्योर R है, ये क्या है, प्योर S है, यानी कि इस बोतल के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स कैसे R है, इसमें कोई भी S वाला मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए ये ओवरऑल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अंदर सारे प्योर S है, यानी कि टोटल 100%, अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 कैसे S वाले हैं, और S वाले हैं तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब मान लो हमारे पास एक और बोतल है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, 50 मॉलिक्यूल्स, दोनों के अंदर मान लो कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100-100 मॉलिक्यूल थे, 100 मॉलिक्यूल इसके अंदर है और 100 मॉलिक्यूल इसके अंदर है, R के 100 मॉलिक्यूल, S के 100 मॉलिक्यूल। अब 50 मॉलिक्यूल मैंने इसमें से निकाल लिए, 50 इसमें से निकाल लिए, ठीक है, और इस बोतल में भर दिए, ठीक है, इस बोतल में भर लिए, तो इसके अंदर क्या है, 50 मॉलिक्यूल है R वाले, और इसके अंदर 50 मॉलिक्यूल किसके है, इसके अंदर है 50 मॉलिक्यूल S वाले, इस बोतल के अंदर 50 मॉलिक्यूल R वाले हैं और 50 मॉलिक्यूल S वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये अलग अलग थे, जब ये अलग अलग थे, प्योर फॉर्म में थे, जब प्योर R थे, प्योर S थे, तो ये क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव था, प्योर R है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और जब हमने ऑप्टिकली एक्टिव का मिक्सचर बनाया, वो भी कैसा, सब मोलर, 50 R के मॉलिक्यूल लिए, 50 S के मॉलिक्यूल लिए, तो देखा कि ये जो मिक्सचर है, ये जो सम मोलर मिक्सचर है, अब ये क्या बन गया, सम मोलर मिश्रण, मिश्रण ही तो बन गया, R और S का मिश्रण, और वो भी कैसा, सम मोलर, यानी कि दोनों की समान मात्रा ली है, 50-50, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम रैसिमिक मिश्रण, इसको क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिश्रण। तो जो सम मोलर 50 R और 50 L का जो हमने सम मोलर मिक्सचर लिया, इसी को क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और ये कैसा होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों है भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी तो बोला था R और S क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, R और S ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन तब जब ये अलग अलग मौजूद है, प्योर फॉर्म में मौजूद है, यानी एक बोतल में केवल R R हो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, एक बोतल में सारे मॉलिक्यूल S S हो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब इनका हम मिक्सचर बना देते हैं 50-50%, तो ये क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। थोड़ा सेंस लगाओ भाई, क्या होगा, 50 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, PPL को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और 50 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि जो ओवरऑल इफेक्ट होगा PPL का वो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा, यानी कि 50 नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाएंगे, 50 पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल ये PPL को नहीं घुमा पाएंगे, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो PPL नहीं घूम रही है, इसलिए जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, किसकी वजह से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो जो हमारे रेसिमिक मिश्रण होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, यानी ध्रुवन घूर्णक नहीं होते, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, ठीक है। एक मीजो भी थे, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे, उसमें भी एसिमेट्रिक सेंटर था, वहां भी हमने आर एस निकाला था, याद हो, जस्ट अभी पीछे पड़े हैं, पीछे मॉलिक्यूल पड़े हैं मीजो, ठीक है, उसमें भी हमने क्या निकाला था, आर एस निकाला था, उसमें भी एसिमेट्रिक सेंटर थे, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं थे, वहां पर रीजन क्या था, वहां पर रीजन था इंटरनल कंपेंसेशन, क्या था, इंटरनल कंपेंसेशन, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही एक भाग क्या था, आर, याद है ना, ये निकाला था CH3 OH H OH H, और बताया था एक कार्बन R था और दूसरा कार्बन क्या था, S, यानी कि एक कार्बन अगर PPL को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर PPL को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा क्या घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो इस इनएक्टिविटी को बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन, क्या होगा, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन का मतलब है जब मॉलिक्यूल अपनी आंतरिक संरचना की वजह से, ये किसकी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, आंतरिक संरचना ऐसी है, तो ये बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, आधा पार्ट आर को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें कोई PPL का मोशन नजर नहीं आएगा जब हम अपने ऑब्जर्वर में देखेंगे, जहां पर हम देखते हैं मॉलिक्यूल के बाद निकली हुई लाइट को कि कितना घूमी, वो ओवरऑल हमें कहीं घूमी हुई दिखाई नहीं देगी, किसकी वजह से, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आधा आर है आधा एस है, ये खुद ही मिक्सचर बना हुआ है आर और एस का, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपेंसेशन। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है वो किसकी वजह से है, वो है एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, किसकी वजह से है,
एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन का मतलब ये पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं थे, ये पहले R और S जब अलग अलग थे तब ये ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन बाद में हमने इनको बाहर से मिलाया है। ये अपने आप मिले हुए नहीं थे, ये अपने आप मिक्सचर नहीं बना है, इसको हमने मिलाया है। 50 यहाँ से उठाए, 50 यहाँ से उठाए, दोनों को मिला के दिया, एक बोतल के अंदर रख दिया, तो ये हमने मिलाया है, हमने इसमें कंपेंसेट किया है, तब ये जाके ऑप्टिकली एक्टिव हुआ है, इनएक्टिव हुआ है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से, क्योंकि हमने बाहर से इसको कंपेंसेट किया है, इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया है। जबकि ये मॉलिक्यूल क्यों है, ये तो इसकी संरचना की वजह से, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये इंटरनल कंपेंसेशन है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, तो अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होता है रेसिप्रोकीकरण। ठीक है, देख लेते हैं रेसिप्रोकीकरण क्या होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या हो सकता है, जो हमारे प्रकाशिक नहीं प्रतिबिंब समावेवी बोले, इनेंसुमर्स, प्रतिबिंब समावेवियों, समावेवियों यानी कि जो हमारे इनेंसुमर्स होते हैं, ठीक है, के कैसा मिश्रण हो, सम मोलर मिश्रण हो, तो सम मोलर मिश्रण को क्या कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं, रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, रेसिमिक मिश्रण क्या होता है, इनेंसियोमर्स का सम मोलर मिक्सचर, यानी कि R हो 50%, 50% S हो, और उन दोनों को मिला दिया जाए तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा, दिख तो रहा है, हाँ, तो रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा। और जब हम R और S दोनों अलग अलग थे तो क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन जब हमने उन दोनों को मिला दिया तो वो क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहले वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको मिला दिया, मिक्सचर कर दिया, रेसिमिक मिश्रण बना दिया, तो वो क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेसिमिकीकरण कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेसिमिकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब के रेसिमिकीकरण क्या है, कि जब कोई ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जब कोई ध्रुवण घूर्णक यौगिक किसमें परिवर्तित हो जाए, रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित हो जाए, यानी उसका क्या बन जाए, रेसिमिक मिश्रण बन जाए, परिवर्तित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को रेशमीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को पूरे को हम क्या कहते हैं, रेशमीकरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि अगर 50% क्या हो हमारे पास, R हो, और हमारे पास 50% क्या हो, S हो, और इनका मिक्सचर हो, तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, ये मिक्सचर कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर, क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को यानी कि जब ये अलग अलग थे तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, और जब मिला दिया तो रेसिमिक मिक्सचर बना, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो जब मिला दिया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेसिमिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिमिकीकरण कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ठीक है, अब ये होता क्यों है, इससे यौगिक की नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।